आज का जो टॉपिक है वो पेपर बॉटनी पेपर सेकंड का यूनिट थर्ड का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली थ्री टाइप्स का क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने दिया है। जो तीन टाइप का क्लासिफिकेशन है, मतलब प्लांट्स की टैक्सोनॉमी के भी यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम जो था, आर्टिफिशियल सिस्टम टोटली हैबिट के ऊपर बेस्ड था। प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, ट्रीज ट्री होते हैं, शर्ब होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, टोटली जो उसकी हैबिट थी उसके ऊपर बेस्ड था। नेचुरल सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था, टोटली सीड्स, प्लांट के सीड्स के बिहाफ पे था। फाइलोजेनेटिक्स जो था वो क्रोमोजोम के बिहाफ पे, या इंटरनल करेक्टर्स कह लीजिए, उनके बिहाफ पे था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये कंटेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। थियोफ्रेस्टस जो साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, फिर थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, कैरोलस लीनियस, ये इन सभी साइंटिस्ट ने, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है वो थियोफ्रेस्टस, जॉन रे एंड कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का जो लीनियस सिस्टम है वो क्लासिफिकेशन में हम लोग उसे फॉलो करते हैं और उसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं। मैं यहाँ पे अभी वाइट बोर्ड यूज करके तब बताऊंगी आपको, फिलहाल मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ। क्लासिफिकेशन बेसिकली थ्री टाइप्स का है। आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, एंड थर्ड इज फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम में थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट थे, थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट थे। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 370 से 287। BC, ये टाइम पीरियड था इनका। बेसिकली जो थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट हैं, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है।
इन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। इन्होंने प्लांट को चार ग्रुप में डिवाइड किया, थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया ऑन द बिहाफ ऑफ प्लांट्स इनटू फोर ग्रुप। चार ग्रुप में इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया चार ग्रुप में ऑन द बिहाफ ऑफ हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट। किसके बिहाफ पे डिवाइड किया? हैबिट के बिहाफ पे। हैबिट के बिहाफ पे इन्होंने चार में डिवाइड किया। जिसमें जो पहला ग्रुप रखा है इन्होंने हर्ब्स, दूसरा रखा अंडरशर्फ, अंडरशर्फ्स, तीसरा रखा इन्होंने ग्रुप शर्ब, एंड फोर ग्रुप इनका था ट्रीज। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सिस्टम में थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी बोला जाता है। उन्होंने प्लांट्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब्स, अंडरशर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। इसके अलावा इन्होंने एक बुक का डिस्क्रिप्शन दिया, एक बुक इन्होंने लिखी एक बुक इन्होंने पब्लिश की जिसका नाम इन्होंने बुक का रखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, इटालियन में होगा ये। हिस्टोरिया प्लांटेरम इन्होंने बुक लिखी, उस बुक के अंदर इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया। कितने? 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने उस बुक के अंदर बताया। बेसिकली जो 500 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के अंदर दिया था, उस बुक में प्लांट के कुछ जेनेरिक नेम्स और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। जो 500 प्लांट्स थे उनमें जेनेरिक नेम जेनेरिक नेम्स एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने उस बुक के अंदर बताया। एग्जाम्पल इन्होंने बताया था जैसे एस्पेरेगस, जिसे आज की डेट में शतावर बोलते हैं, ठीक है, एस्पेरेगस रिसोमोसिस, जिसे आज की डेट में शतावर बोलते हैं, इसका नाम इन्होंने वहां पे लिया था। एस्पेरेगस इन्होंने उसका नाम बताया, जो करंट में एस्पेरेगस के नाम से जाना जाता है, करंट में एस्पेरेगस के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक चीज, एक काम और किया था,
सबसे पहले ही इन्होंने जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, थियोफ्रेस्टस जिन्हें फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है, इन्होंने प्लांट्स को चार ग्रुप में डिवाइड किया, हर्ब, अंडरशर्ब, शर्ब एंड ट्रीज। एक बुक भी इन्होंने लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 500 प्लांट्स का इन्होंने जेनेरिक नेम और मॉडिफिकेशन क्लासिफिकेशन के आधार पे प्लांट्स को वहां पे डिस्क्राइब किया है। साथ में इन्होंने एक चीज और पॉइंट आउट की, ही पॉइंटेड आउट फंडामेंटल डिफरेंसेस। इन्होंने फंडामेंटल डिफरेंसेस को भी पॉइंट आउट किया। फंडामेंटल डिफरेंसेस किसके बिहाफ पे देखा इन्होंने? मोनोकोटिलेडंस एंड डाइकोटिलेडंस। फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन बिटवीन मोनोकोटिलेडंस एंड डाइकोटिलेडंस। ठीक है, इन्होंने फंडामेंटल डिफरेंसेस देखे मोनोकोटिलेडंस और डाइकोटिलेडंस के बीच में। तो ये था पहले साइंटिस्ट जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम है, थियोफ्रेस्टस जो कि पहले साइंटिस्ट थे। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पार्टिसिपेशन दिया, लेकिन जो ज्यादा मेन कंसिडर किए गए वो ये थे, जिसमें पहले थे ये थियोफ्रेस्टस। दूसरे इसके बाद जो मेन काम कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है जॉन रे का। दूसरे साइंटिस्ट है जॉन रे साइंटिस्ट का जो टाइम पीरियड है वो टाइम साइंटिस्ट का 16 का जो टाइम पीरियड है वो है 1628 से 1705 के का टाइम पीरियड है इनका। ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। इन्होंने थ्री वॉल्यूम बुक को पब्लिश किया। इनकी जो बुक थी वो उसके अंदर थ्री वॉल्यूम थे, थ्री वॉल्यूम बुक को इन्होंने पब्लिश किया। जो थ्री वॉल्यूम बुक थी उसका नाम इन्होंने रखा था जो थ्री वॉल्यूम बुक थी उसका नाम इन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम। उसी जिस बुक में थियोफ्रेस्टस ने पब्लिश किया था उसी बुक में इन्होंने थ्री वॉल्यूम बुक दिया हिस्टोरिया प्लांटेरम में। हिस्टोरिया प्लांटेरम जो ये हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के अंदर इन्होंने थ्री वॉल्यूम बुक अपने प्रेजेंट किए थे वो फर्दर इम्प्रूव वर्जन में जो थ्री वॉल्यूम बुक थी ये इम्प्रूव वर्जन में निकल के आई। इम्प्रूव वर्जन आया इसका जिसका नाम रखा गया मै
मैथियोडस, प्लांटेरम नोवा, मैथियोडस प्लांटेरम नोवा। जो जॉनरी का क्लासिफिकेशन है, जॉनरी का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। ये क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। नेचुरल सिस्टम में क्या कौन सा क्लासिफिकेशन है? बेंथम एंड हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। इन्होंने जॉनरी ने जो प्लांट को डिवाइड किया था, दो ग्रुप में डिवाइड किया था, मोनोकोटिलेडंस एंड डाइकोटिलेडंस, और किसके बिहाफ पे डिवाइड किया था? वन और टू कोटिलेडंस के बिहाफ पे डिवाइड किया था। He divided these group into monocotyledons and dicotyledons. Monocotyledons और dicotyledons में इसने divide किया था on the basis of two or one cotyledon. टू कोटिलेडन, एक या दो कोटिलेडन्स के बिहाफ पे इन्होंने, जॉनरे ने जो प्लांट का ग्रुप था उसे दो ग्रुप में डिवाइड किया, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। इसके लिए इन्होंने क्या काम किया? दो ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप का नाम इन्होंने रखा हर्बेई, पहले ग्रुप का नाम हर्बेई रखा, जिसके अंदर इन्होंने हर्ब्स को रखा, जिसके अंदर इन्होंने हर्ब्स को रखा, और हर्ब्स को रखने के बाद फिर से फर्दर इन्होंने इसे दो में डिवाइड किया। दो में डिवाइड किया इन्होंने, दो में इम्परफेक्टेई एंड परफेक्टेई। जो दो में डिवाइड किया था वो था इम्परफेक्टेई इम्परफेक्टेई, जिसमें कि फ्लावर प्रेजेंट नहीं थे। ये था फ्लावरलेस प्लांट्स, जिसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं थे, इम्परफेक्टेई यानी कि फ्लावरलेस प्लांट। और दूसरा इन्होंने लिया परफेक्टेई, परफेक्टेई जिसके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट थे। फ्लावरिंग प्लांट्स, तो जो जॉनरे थे, जॉनरे ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था कोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स के भी यहाँ पे, दूसरा इन्होंने दो ग्रुप और बनाए हर्बेई, और दूसरा ग्रुप था अर्बोरेई। एक और ग्रुप बनाया इन्होंने जिसका नाम रखा अर्बोरेई। अर्बोरेई प्लांट के अंदर ट्रीज एंड शर्ब प्रेजेंट थे। ट्रीज एंड शर्ब प्रेजेंट थे। हर्बेई प्लांट के अंदर हर्ब्स और अर्बोरेई प्लांट के अंदर ट्री एंड शर्ब। ये डायरेक्टली दो में डिवाइडेड था,
पहला मोनोकोटिलीडंस, और दूसरा डाइकोटिलीडंस।